अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर के बारे में। लोगों ने उसको किस तरह कदर ट्रोल करना शुरू किया होगा। ये पिछले दिनों में जब सही फीदी इंजर्ड हुआ तो सुनने में आया कि मोहम्मद आमिर को वापस लेंगे, तो क्या नाम है, उसने भी एक आधा ट्वीट कर दिया कि मैं ट्रेंडिंग पर हूँ क्यों हूँ। उसके बाद लोगों ने उसको इतना जलील करना शुरू कर दिया। फिक्सर, ठीक है यार, उसने फिक्सिंग की थी, तो अगर आपने फिक्सिंग के बेस पर अगर आपने उस बंदे ने हालांकि माफ़ी भी मांगी बाद में, सबसे पहले वही बंदा जिसने अफरीदी ने जिसको सपोर्ट किया था, उसने वजह बताई कि भाई इसने खुद एतराफ़ किया था मैंने फिक्सिंग की है, मुझसे गलती हुई है। उसने गलती को अपने सुधारा, उसने उसके पास ज़िंदगी में कभी नोबॉल नहीं किया, ज़िंदगी में दोबारा कभी फिक्सिंग नहीं की उसने। यार हम कौन होते माफ़ी देने वाले? माफ़ी अल्लाह की ज़ात देने वाली है, हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? अगर पीछे पड़ना है, आप एक तरफ आप कहते हो कि यार मोहम्मद आसिफ को दोबारा चांस नहीं मिला, मोहम्मद आमिर को चांस मिला है तो उसको मिलना चाहिए था, सलील खान को चांस नहीं मिला उसको मिलना चाहिए था, उमर अकमल को चांस नहीं मिला उसको मिलना चाहिए था, तो भाई फिर वो फिक्सर नहीं है? उन्होंने भी तो फिक्सिंग की थी, उनकी तरफ आके आपके सारे व्यूज़ का चेंज हो जाते हैं कि भाई वो हमारे हीरोज हैं, उनको ये आसिफ के बारे के पीता खूता और झूमती गेंद थी, तो ये चीज़ें क्यों हैं? भाई अगर आपने आमिर को फिक्सर कहना है तो इनको भी फिक्सिंग को, और सबसे बड़े आपके वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, जिनको आप हीरो मान ही बैठे हो, आपने आप सबको पता है, बच्चे को तरीक पता है कि 99 का वर्ल्ड कप इन सब ने के नाम है फिक्सिंग करके हारे थे, और ये खुद फिक्सिंग करते रहे। इन्होंने इंटरव्यू में बताया हुआ है कि कप्तान ने टॉस करके पहले बॉलिंग करता था तो दूसरे टाइम पे जाके राइट कम होती थी तो विकटें गिननी शुरू हो जाती थी, ऐसे अगली टीम मैच जीत जाती थी। ये तरीका आपको याद है? ये तरीका आप क्यों भूलते हैं? इन तरीकों के बाद आपको इन लोगों को फिर हीरो की माना हुआ है, इनको भी आप फिक्सर क्यों नहीं कहते? इनको भी फिक्सर कहो, ये आपने दो के तरफा नजरिया रखा हुआ अपना। भाई चट्टे सूरज को सलाम न रखें, कसम खाए लोग, वो लोग कि जो लोग आज इसको फिक्सर कह रहे हैं, कल उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इसको जब इसने के नाम है टॉप ऑर्डर इंडिया का तबाह किया था चैम्पियन ट्रॉफी में 2016 में, जब इसने के नाम में स्पेल किया था तब भी सिर्फ विराट कोहली इसके सामने टिका था, तब नहीं इन लोगों ने तारीफ की थी इनकी। वो लोग बोले ना अब जो इनका फिक्सर, इसको फिक्सर बोल रहे हैं, भाई फिक्सर बोलना तो आसिफ को ही बोल लें, जिसको आप कह रहे हैं कि यार इसको ये चांस नहीं मिला, चांस उमर अकमल को भी फिक्सर बोल लें, अफरीदी का किसको इसको नहीं चाहिए, सबको याद है 2011 का वर्ल्ड कप कौन बोला है? अभी तो ज़्यादा दूर भी नहीं की बात है कि कह लो कि बहुत ही अरसा दराज या सदी हो गई है, अभी 10 साल 20 12 साल भी नहीं हुए 2011 के वर्ल्ड कप को, सबको पता है सेमीफाइनल में कैसे पहुंचे हम, जीत रहे थे, जीते जीते हम क्यों हारे हैं? सब फिक्सिंग हुई थी कि आप किसी भी बच्चे को पूछ लो 2011 का वर्ल्ड कप फिक्स था, किसने किया था? अफरीदी ने किया था, पूरी टीम फिक्स थी इनकी बड़ी। यार आपने ना सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया हुआ है, किसकी वजह से? रमीज राजा की वजह से, उसकी भी सुन लें। रमीज राजा, आप लोग कहते हैं कि उसने अपने वतन को बेचा, इज्जत बेची है, ठीक है, सब ने इज्जत बेची है, किसने नहीं बेची? रमीज राजा, आप इंडिया की मूवी उठा के देखें निशुम, जॉन अब्राहम और वरुण धवन की, उसमें इसने आखिरी पार्ट में जाके रमीज राजा ने कमेंट्री की हुई है, उसमें मैच किसका दिखाया हुआ है? पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया, ठीक है, उसमें आप जाके देखें, अगर वो कोई इंडिया का हीरो या इंडिया का कमेंट्रेटर या इंडिया का बैट्समैन बॉलर आके पाकिस्तान की फिल्म में ऐसा किरदार करता, क्या उनके मुल्क में देशद्रोही की बातें नहीं चलती? क्या उनके मुल्क में मुल्क दुश्मन की बातें नहीं चलती? हमारी तरफ आके या जिस जिस को जितना मौका मिला है सब ने अपना हक अदा किया, सब ने फिक्सिंग की है, आप एक बंदे को फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो किस बेस पे, किस वजह से कर रहे हो? कोई वजह भी होनी चाहिए। तो एक बंदे ने माफ़ी मांग ली, एक चीज़ बंदा भूल गया है, आप भी भूल जाओ, आपके लिए ये बंदे वो बंदे हैं जो इस वक्त इसको फिक्सिंग कह रहे हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस पे खुश होते थे। आमिर आगे इसने पहली ओवर में विकेट लेनी है, पहली ओवर की विकेट लास्ट, या देखो बात सुनो,
बॉलर्स की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर बॉलर्स आगे से आगे आते रहते हैं। 2010 में फिक्सिंग के बाद आसिफ आमर गए, फिर वाब रियाज गया तो जुनेद खान आ गया, जुनेद खान गया तो वापस मोहम्मद आमिर आ गया, आमिर गया तो लोगों का टैगा ख़त्म के नाम है इंडिया के पास को क्या कहते हैं टैगा था आमिर का ख़त्म हुआ, उनको शहीन ने ओपनिंग स्मेल कर दिया, उसका शहीन का ख़त्म हुआ तो लोगों को रिलीज मिला कि भाई शहीन फिर नहीं खेल रहा हमें तो हम आसानी से खेलेंगे, नसीम शाह ने बॉलिंग कर दी। हमें बॉलिंग की कमी नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुल्क हमारी धरती ऐसी है कि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग की कमी नहीं है, फर्स्ट ओवर में विकेट लेने वाले बॉलर्स हमारे पास हैं। लेकिन बात करने का मकसद आपसे ये है कि भाई आप सिर्फ एक बंदे को क्रिटिस, मोहम्मद आमिर कौन है? मोहम्मद आमिर वो है जिससे इंडिया आज भी डरता है, ठीक है? जब भी उनको आमिर का नाम याद आता है ना तो उस वक्त सबसे पहले उनको 2016 का स्पेल याद आता है, 2017 का स्पेल याद आ जाता है जब उनका टॉप ऑर्डर खतरे में होता था, ठीक है? अभी भी उनको इसी बात से जब उनके सामने नाम आ जाएंगे गलती से भी आप उनके सामने नाम ले लो कि भाई मोहम्मद आमिर खेल स्कॉर में शामिल है, उनके टांगे ठर ठर कामने लग जाती हैं। क्यों कामने लग जाती हैं भाई? उनको पता है कि हमारा इसको हमारी कमज़ोरी का पता है, इसने आके गेंद ही वो करनी है, पहली ओवर में दो ओवरों में इसके ने हमारी विकटें गिरा देनी है। यार आपने क्रिटिसाइज करना है तो कोई सबको करें, वरना सिर्फ एक बंदे के हो ना क्रिटिसाइज करें। ये आप उसने जो भी किया वो उसका माल है, ठीक है? उसने अपने माल का खुद जवाब दे होना है। लेकिन अगर आप उसको एक बंदे को सिर्फ टारगेट करोगे तो ये आपकी अपनी मुनाफ़त है। अब ना सब लोग मुझ पर तंकीद करेंगे कि यार ये स्पॉट फिक्सिंग करने वालों को फिक्सरों को ना मैं सपोर्ट कर रहा है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा कदम है इसका नमीर राजा का कि भाई वो कहता है कि भाई फिक्सर को खुलाना ही नहीं है ताकि आने वाली नस्ल को, हमारी आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको इस चीज़ में का इलम हो, इस चीज़ से डर के दोबारा कोई बंदा करे ना, ठीक है? तो बहुत अच्छा कदम है यार, हम खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना हो, दोबारा कोई पाकिस्तान की इज्जत ना बेचे। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है ना तो सबको करें, एक बंदे को टारगेट ना करें। मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी दोबारा फिर बात कर रहा हूँ, बार बार बंदा बात करने वाला बंदा पागल लगता है कि वसीम अकरम को, फरीदी को, सबको आप हीरो कहते हैं, एक बंदे को आपने क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? रमीज़ राजा की वजह से कर रहे हैं, ठीक है? क्या वजह बनी थी कि आमिर छोड़ के चला गया, कि आमिर ने रिटायरमेंट ले ली? इंडिया में इस चीज़ की किसी खुशी हुई थी आपको पता है इस चीज़ की, इस बात का कि उन्होंने कहा था कि भाई आमिर ने रिटायरमेंट ले ली है तो उन्होंने उनके, आपको पता भी है इंडियन मीडिया में क्या खबरें चल रही थी, ये तो भाई पाकिस्तान का ड्रामा चल दोबारा अच्छा स्टार्ट हो गया है। पहले भी ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायरमेंट लेके रिटायरमेंट वापस ले लेते थे, तो आमिर ने भी अभी आपसी रंजिश की वजह से, आपसी तकरार की वजह से इस्तीफ़ा लिया है, इसने भी वापस इस्तीफ़ा ले लेना है। तो इंडिया मीडिया में ये खबरें चली थी, क्यों चली थी? रमीज़ राजा की वजह से, अफरीदी छोड़ के गया, अफरीदी छोड़ के गया नजम सेट्टी की वजह से, या मैनेजमेंट की वजह से आके आमिर छोड़ के गया और उसकी उसको छोड़ने के बाद सबको याद आ गया वो तो फिक्सर था, तो पहले क्यों नहीं याद था? पहले याद रखते भाई, उसने 2016 में जब वो के नाम है स्पेल कराया था, या 2017 में जब उसने आपको चैम्पियन ट्रॉफी जिताई है टॉप ऑर्डर के को तबाह करने के बाद, उस वक्त ये नारे नहीं आपके हाथ में बनते, उसके हाथ में बनते थे कि भाई आमिर ने छा गया, आमिर छा गया उसके हाथ में, फिर उस वक्त ये नारे बनते थे कि फिक्सर छा गया, फिक्सर छा गया, ठीक है? तो अगर आप नारे लगाने थे तो 2017 में लगाते कि अभी फिक्सर छा गया, 2016 में जब उसने पहली गेंद ओवर में विकेट लिया था तब कहना था वाह फिक्सर कमाल कर दिया, तब कहना था।
तब आपको लिए वो हीरो था, लेकिन जब उसने रिटायरमेंट ले ली है उसके बाद वो साथ ही आपके लिए फिक्सर बन गया है। तो काइंडली भाई आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो आपको सबको, वसीम अकरम, वकार यूनस, अफरीदी, उमर अकमल, मोहम्मद आसफ़, सबको फिक्सर कहें। सलमान भट्ट को खैर दोबारा मौका, उसने खुद ही नहीं वापस आया, सबको फिर फिक्सर कहें अगर कहना है, नहीं तो सिर्फ एक बंदे को फिर फिक्सर ना करें। ये आपकी मुनाफ़त है, ठीक है, इस चीज़ से बचें काइंडली, और सबको सपोर्ट करें, सब अपने प्लेयर हैं, जो उन्होंने जो किया वो उनका और अल्लाह का मामला है, आप इस चीज़ में भी ना बढ़ें।